हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है घर के नीचे रोड से, और आज मैं जा रहा हूँ पहले तो सामान लेना है घर का कुछ, फिर उसके बाद चलेंगे हम कहीं आज घूमने के लिए। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सामान ख़रीदने के बाद मैंने सामान को दुकान पे ही रखवा लिया है, और घर जाते समय वो सामान लेके जाऊंगा मैं। और अभी मैं आ गया हूँ सिमली वाली रोड पे, और आज जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए एक ज़बरदस्त जगह। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो अभी मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे जाम में, और मैं सुभाष नगर से थोड़ा ही आगे आया हूँ। मेरे आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ियाँ हैं। अब वापस भी नहीं जा सकता और ना ही आगे जा सकता हूँ। अभी धीरे धीरे करके गाड़ियाँ आगे तो बढ़ रही है, और आगे से इतनी बड़ी टेम्पो ट्रैवलर जा रही है, मुझे आगे भी दिखाई नहीं दे रहा है कितना लंबा जाम है। तो अब क्या करें, अब वेट करते हैं, धीरे धीरे करके कछुए की तरह आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे ना पीछे पे एक सांड पागल सो रहा है, और मैं उतर चुका हूँ अपनी बाइक से, ये देखो। तो अभी अंकल लोग उसे भगा रहे हैं, और ये रेत में अपनी सींगें जोर जोर से मार रहा था, रेत उड़ा रहा था अपनी सींगों से। और भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है इनसे, ये कभी भी सींग वगैरह घुमा देते हैं और कहीं मुझे कहीं फेंक ना दे। और यहाँ तो रास्ता भी नहीं दिख रहा, मैं कहाँ से निकलूँ, इतना ख़तरनाक जाम लगा हुआ है। तो अभी तो अंकल लोगों ने भगा दिया है। तो अभी हम कछुए की तरह रेंगते रेंगते 100-200 मीटर आगे आ गए हैं, और यहाँ पे मुझे बाइक के लिए थोड़ी सी जगह मिल चुकी है, तो मैंने उतने में ही निकाल दिए। थोड़ा दो चार गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया है और फिर फंस चुके हैं। और भाई मेरा तो अब दिमाग ख़राब सा हो रहा है इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम देख के। और अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, होपफुली ये फटाफट लाइन ख़त्म हो जाए और मुझे खुली सड़क मिले आगे जाने के लिए। और ये देखो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं मेरे राइट साइड में, और ये सब वेट कर रहे हैं कि कब ट्रैफिक जाम खुले और ये सब भी निकलें। तो अब ये देखो यहाँ पे भी रुके हुए हैं लोग, और कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज। चलो अब आपको आगे मिलते हैं, फटाफट ये ट्रैफिक जाम से निकलते हैं और आगे मिलते हैं आपको। तो ये है सिमली चंडिका देवी मंदिर जाने का रास्ता, और आज खतरनाक ट्रैफिक। और ये है जय और ये है विजय, और यहाँ से जाते हैं चंडिका देवी मंदिर के लिए। अभी माता रानी के मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और अभी सामने आगे दो रास्ते आने वाले हैं, और ये आ चुके हैं दो रास्ते। एक इस सामने है और एक जिस पे हम जा रहे हैं। तो अभी जिस पे हम जा रहे हैं ये जाता है गैरसैन आदि बद्री के लिए। अभी आपको जो ये खूबसूरत सी जगह दिखाई दे रही है, इस जगह का नाम है उज्जवलपुर, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, और ऊपर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, और सड़क के नीचे भी हरे भरे खेत, और एकदम ज़बरदस्त सा मौसम हो रखा है आज। अभी मैंने लिया है एक छोटा सा ब्रेक, और यहाँ पे का ये जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, नीला आसमान और उसके साथ साथ सफ़ेद बादल, हरे भरे पहाड़, और यहाँ साइड पे लगी है अपनी बाइक।
और ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको उत्तराखंड के अलावा और कहीं नहीं दिख सकते। नीचे बह रही है एक छोटी सी नदी और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ज़्यादा देर ना रुक कर अब हमने अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर लिया है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चांदपुर गढ़ी, और सबसे पहले हम अपनी बाइक को रोकने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर चांदपुर गढ़ी और आपको वहाँ के एक खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और ये है सामने चांदपुर गढ़ी का गेट, और यहाँ से ऊपर जाते हैं चांदपुर गढ़ी के लिए। तो अब चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको रास्ता। तो अभी मैं आया हूँ चांदपुर गढ़ी, और आज चांदपुर गढ़ी को घूम चांदपुर गढ़ी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और अभी मैं चढ़ाई से चढ़ के आ रहा हूँ ना, गेट तो मैंने आपको दिखा दिया है चांदपुर गढ़ी का, और अब आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो यहाँ से आदि बद्री है 3-4 किलोमीटर दूर, और करण प्रयाग से भी मुझे आइडिया नहीं है, और अभी आपको ऊपर लेके चलेंगे चांदपुर गढ़ी और उसके पूरे बारे में बताएंगे। तो अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, कितनी ख़तरनाक चढ़ाई है और सांस फूल रही है। तो अभी मैं रोड से थोड़ा ही ऊपर आया हूँ, बाइक मैंने पीछे खड़ी कर दी है, मौसम थोड़ा ख़राब सो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए, मुझे आज भीगना पड़ेगा। और मैं आया हूँ टी शर्ट में, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये है नीचे रोड और ये रास्ता है, और अभी मुझे जाना है यहाँ से ऊपर। मौसम देखो थोड़ा ख़राब सोने लग गया, फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी मैं वहाँ नीचे से चल के आ रहा हूँ और सांस फूलने लगी, अभी थोड़ा सा ही आया हूँ। और वहाँ सामने SGRR पब्लिक स्कूल है। मौसम देखो ख़राब होते जा रहा है, और दूर वहाँ बारिश हो रही है। और ये देखो नीचे एक नदी, छोटी नदी सी भी है। यहाँ पे से एकदम ख़तरनाक चढ़ाई। और ये नीचे का रास्ता, तो अभी थोड़ा सा ही रह गया, यहाँ ऊपर है, फिर आपको ऊपर के नज़ारे दिखाएंगे खूबसूरत। तो ये है पूरा चांदपुर गढ़ी का किला, और अब आपको आगे ले चलते हैं और पूरा किला दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। और ये पूरे हैं चांदपुर गढ़ी के अवशेष, और यहाँ भी लोग काफ़ी दूर दूर तक बसे हुए हैं, और आज मौसम थोड़ा ख़राब सा हो गया है। तो ये पूरे एक महल के अवशेष हैं, किले के अवशेष। तो अब मैं आपको चांदपुर गढ़ी के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार GK के प्रश्नों में भी आता है, उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं उसमें भी आता है, चांदपुर गढ़ी का जिक्र होता है। तो ऐसा है कि एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था कनकपाल, और वो गढ़वाल क्षेत्र को जीतने के लिए आया था, और उसने चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे सोनपाल, उसकी इकलौती पुत्री से उसका विवाह हुआ था, और उसने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और जो उसका 37वां वंशज था जिसका नाम अजयपाल था, तो बाद में उसने अपनी राजधानी को यहाँ से दूसरी जगह देवलगढ़ स्थापित किया, और उसी ने 52 गढ़ों पे विजय प्राप्त की, और उस पूरे क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। और ये पूरे 52 गढ़ जो हैं उसी के नाम से, जो ये पूरा क्षेत्र है इसका नाम गढ़वाल पड़ा। और ये पूरे 52 गढ़ आप चेक कर सकते हो गूगल पे, और ये पूरे 52 गढ़ नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने एक पूरे गाने में भी इनका जिक्र किया है। और अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे एक विष्णु भगवान का मंदिर भी स्थापित किया है, तो अभी आपको मंदिर भी दिखाएंगे। और ये है इसका इतिहास। और ये है चांदपुर गढ़ी का एक खूबसूरत सा नज़ारा। आज तो मौसम थोड़ा ख़राब सा है, वरना ये काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है।
और ये हमारा इतिहास को प्रदर्शित करता है, मतलब इतिहास के बारे में बताता है। ये इतना खूबसूरत सी जगह है, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए ऐसी जगह पे। और अब आपको अंदर मंदिर में लेके चलते हैं, विष्णु भगवान का मंदिर है वो भी दिखाते हैं। तो ये है भगवान विष्णु का मंदिर जो उस टाइम पे यहाँ स्थापित किया था। कई मूर्तियाँ तो यहाँ से चोरी हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ। तो यहाँ पे ये देखो इस पत्थर पे किस प्रकार की कलाकारी दिखाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और शायद ही आज के टाइम पे कोई करके दिखाए। अभी यहाँ पे और भी हैं तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ पत्थर रखे हुए हैं और इस पे भी ज़बरदस्त वाली कलाकारी की गई है, ये देखो। तो ये देखो उस टाइम की जो कलाकारी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अब शायद ही कोई ऐसी कर पाए। अब सामने खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की दिखाते हैं कि काफ़ी मतलब खिड़की जैसी है, या तो फिर इसका उपयोग कुछ और काम के लिए रहा होगा। और ये देखो क्या डिज़ाइन बना हुआ है, ये पूरा एक ज़बरदस्त सा और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये देख सकते हो आप। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और काफी ज्यादा सुंदर है। तो हेलमेट पहन के पूरे बाल ख़राब हो गए। और ये पीछे पूरा चांदपुर गढ़ी का किला है, अब पूरा किला तो बचा हुआ नहीं है, उसके थोड़े बहुत अवशेष हैं। और अभी यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया हुआ है, और ये जो कि उस राजा ने ही बनवाया था। और ये पूरा चांदपुर गढ़ी और ऊपर है मंदिर यहाँ ऊपर। और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा भी आया। करण प्रयाग से मुझे 1-2 घंटे लगा यहाँ आने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी,
और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। तो अब घर की तरफ चलते हैं और अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे बाइक पे। तो बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय। तो यहाँ पे है अपनी बाइक और अब वहाँ ऊपर था चांदपुर गढ़ी। और अब यहाँ से निकलते हैं, निकलने का टाइम हो गया क्योंकि मौसम भी ख़राब सा हो रहा है। अब चलते हैं फटाफट। ओहो, अब तो यहाँ से न्यूट्रल है काफ़ी आगे तक, तो न्यूट्रल में ही चलेंगे हम। तो अभी मैं घर पहुंच रहा हूं और ज़्यादा टाइम लगा नहीं वहां से आने में। तो अभी हो रहा है 12:59 और मैं लगभग निकला था वहां से 12 बजे करीब, तो 1 घंटे में यहां पहुंच गया हूं। और यहां से लगभग चांदपुर गढ़ी है 16 किलोमीटर दूर, क्योंकि 6 किलोमीटर दूर सिमली है और सिमली से बाकी 10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।